प्रेजेंट टीचर। हेलो चैंपियंस, आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 6 नंबर्स अप टू 50 में एक न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे। क्या है टॉपिक? बिफोर, बिटवीन, आफ्टर। अब स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे बिफोर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है, बिटवीन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स बिफोर मींस पहले, अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उस ऑब्जेक्ट के जस्ट बिफोर का नंबर, बिफोर का ऑब्जेक्ट क्या कहा जाता है? बिफोर। और बिटवीन दैट मींस टू ऑब्जेक्ट के बीच का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? बिटवीन। और ऑब्जेक्ट जो दिया गया है उसके बाद के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? आफ्टर। अब स्टूडेंट्स चलिए हम लोग एक एक्टिविटीज से स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या होता है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। तो स्टूडेंट्स क्या है ये, देखो और बताओ। ये है रिंग। अब स्टूडेंट्स सिर्फ एक रिंग को देखकर क्या हम लोग बता सकते हैं कि इसका बिफोर क्या होगा, आफ्टर क्या होगा? नहीं बता सकते हैं। अब हम लोग वन रिंग और ले लिए, अब हम लोग बता सकते हैं कि इसके बिफोर में क्या है और इस येलो वाले रिंग के आफ्टर में क्या है। तो स्टूडेंट्स ये टू रिंग्स यहाँ पर मैंने रखा है अपने हैंड्स में। अब स्टूडेंट्स बताना है इस ग्रीन वाले रिंग के बिफोर में कौन सा रिंग है, किस कलर का रिंग है। तो ये आपका येलो कलर का रिंग जो है वो आपका बिफोर में है। किसके बिफोर में है? तो ग्रीन वाले रिंग के बिफोर में है। अब स्टूडेंट्स आफ्टर क्या होता है? तो आफ्टर के लिए अब बताओगे मुझे कि इस येलो वाले रिंग के आफ्टर में किस कलर का रिंग दिख रहा है? तो ग्रीन कलर का रिंग दिख रहा है। अब बताओगे मुझे इस येलो वाले रिंग के आफ्टर में किस कलर का रिंग दिख रहा है? तो ये आपका रेड कलर का रिंग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बिफोर मींस पहले होता है और आफ्टर मींस बाद में होता है। तो ये येलो वाले के आफ्टर में कौन सा रिंग है? तो रेड कलर का रिंग है। और ये पूछा जाए कि अगर रेड वाले रिंग के बिफोर में कौन सा रिंग है, तो कौन सा रिंग है? येलो कलर का रिंग है। अब बताओगे बिटवीन। अब स्टूडेंट्स ये क्या है? ये मेरे पास थ्री रिंग्स है और इस थ्री रिंग्स को देखोगे और बताओगे कि बिटवीन मींस क्या होता है। अब स्टूडेंट्स ये क्या है? ये ग्रीन कलर का रिंग्स है, ये येलो कलर का रिंग्स है और इस दोनों ग्रीन और येलो कलर के रिंग्स के बीच में कौन सा रिंग्स है स्टूडेंट्स? तो ये आपका रेड कलर का रिंग है। तो बिटवीन मींस क्या हुआ? टू ऑब्जेक्ट, टू रिंग्स के बीच के बिटवीन में जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बिटवीन। और बिटवीन मींस क्या होता है स्टूडेंट्स? बिटवीन मींस होता है बीच में। अब स्टूडेंट्स चलिए हम लोग एक पिक्चर के अकॉर्डिंग समझते हैं कि बिफोर, आफ्टर और बिटवीन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, देखो और बताओ। ये है बर्ड। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है, यहाँ पर राइट किया हुआ है, रीड करो। ये है केक। और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है रेड। अब स्टूडेंट्स बिफोर, आफ्टर और बिटवीन इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये है आपका केक और केक के बिफोर, बिफोर मींस पहले, इस ऑब्जेक्ट के बिफोर में कौन सा पिक्चर दिख रहा है? तो ये है आपका बॉल। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इस बॉल के आफ्टर में कौन सा पिक्चर दिखाई दे रहा है? तो यहाँ आफ्टर मींस बाद में, हम लोग बाद में क्या देख रहे हैं? केक भी है और रेड भी है। तो स्टूडेंट्स बिफोर मींस पहले, आफ्टर मींस बाद में। और स्टूडेंट्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट के बीच में का जो पार्ट होता है, भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिटवीन। सपोज यहाँ पर बॉल दिया हुआ है और यहाँ रेड है। बॉल और रेड के बिटवीन में कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा
बताओगे मुझे कि बॉल और रेड के बिटवीन में कौन सा पिक्चर दिख रहा है? वो है केक। तो यहाँ पर स्टेप्स बिफोर, बिटवीन, आफ्टर हम लोग स्टडी किए हैं। अब हम लोग यहाँ पर स्टेप्स स्टडी करेंगे नंबर के अकॉर्डिंग बिफोर, आफ्टर और बिटवीन क्या होता है। यहाँ पर तो हम लोग पिक्चर के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टडी किए हैं बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। अब हम लोग नंबर के अकॉर्डिंग इसको रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, और बिफोर मींस पहले। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्या है, जो नंबर दिया गया है इस नंबर का बिफोर नंबर बताना है। जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसके जस्ट बिफोर का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर शो किए हैं, पिक्चर में देखे हैं, वैसे ही यहाँ पर इस नंबर के जस्ट बिफोर का नंबर आपको बताना है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे नंबर होंगे जो इस नंबर के बिफोर में आते हैं। इसी से छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं, लेकिन हम लोगों को वैसा नंबर चाहिए जो जस्ट बिफोर आता है। जो जस्ट बिफोर नंबर आता है तुरंत उसके पहले का नंबर चाहिए, और तुरंत पहले का नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वन लिस्ट करते हैं। तो 19 से वन बिफोर जाएंगे, क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 18। राइट आंसर क्या होगा? 18। चलिए राइट करते हैं 18। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, और 37 के जस्ट बिफोर का नंबर कौन सा होगा? सोचो और बताओ मुझे कौन सा नंबर होगा। तो नंबर होगा 36। चलिए राइट करते हैं 36। अब बताओगे 50, और 50 के जस्ट बिफोर का नंबर कौन सा नंबर होगा? सोचो और बताओ। तो स्टूडेंट्स 50 के जस्ट बिफोर का नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वन लेस कर देते हैं, वन कम कर देते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सोचो और बताओ। तो राइट आंसर होगा 49। हम लोग चलिए राइट करते हैं 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स व्हाट कम्स इन बिटवीन क्वेश्चन हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स? यहाँ पर इस क्वेश्चन का मींस हुआ, मतलब हुआ कि जो टू ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट के बिटवीन में कौन सा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर देखे हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपको नंबर के अकॉर्डिंग बताना है कि टू नंबर्स के बीच का नंबर कौन सा होगा, बिटवीन का नंबर कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स क्या है ये, 42, 44। अब स्टूडेंट्स 42, 44 में आपको बताना है कि बिटवीन नंबर कौन सा होगा, सोचो और बताओ। तो 42 का जस्ट आफ्टर नंबर लेंगे, और 44 का जस्ट बिफोर का नंबर लेंगे, वो क्या मिलेगा मुझे, बिटवीन का नंबर मिलेगा। जैसे 42 और 42 के जस्ट आफ्टर में कौन सा नंबर आता है, तो नंबर आएगा जस्ट आफ्टर मीन्स तुरंत बाद का नंबर 43। और 43 अगर सपोज यहाँ पर हम लोग राइट करते हैं, तो 44 का जस्ट बिफोर का नंबर भी यही होगा 43। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग क्या समझे, किसी भी बिटवीन नंबर को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ रहता है उसका हम लोग आफ्टर नंबर लेते हैं, और जो लास्ट का नंबर दिया हुआ रहता है उसका हम लोग बिटवीन नंबर राइट करते हैं, उसका उस नंबर का हम लोग यहाँ
बिफोर नंबर राइट करते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 44 का बिफोर नंबर क्या मिला, 43, और 42 का आफ्टर नंबर क्या मिला, 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और बताओ क्या होगा राइट आंसर। 16 का आफ्टर नंबर और 18 का बिफोर नंबर राइट करेंगे, क्या होगा, 16 आफ्टर, जस्ट आफ्टर 70। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 23, और 23 का आफ्टर नंबर लेंगे और 25 का बिफोर नंबर लेंगे, क्या होगा राइट आंसर, सोचो और बताओ। तो राइट आंसर होगा 24। चलिए राइट करते हैं, 23, 24, 25। अब स्टूडेंट्स क्या है, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, मींस जो नंबर दिया गया है इसके जस्ट आफ्टर में कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स क्या है, 46, और 46 के जस्ट आफ्टर का नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं या 1 मोर कर लेते हैं। तो क्या होगा, 46 का मोर क्या होगा, 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा नंबर, 47। चलिए राइट करते हैं, 19 का जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आएगा, सोचो और बताओ। तो जस्ट आफ्टर नंबर होगा 20। चलिए राइट करते हैं, 29 का जस्ट आफ्टर नंबर कौन सा नंबर होगा बच्चों, सोचो और बताओ। तो स्टूडेंट्स 29 का जस्ट आफ्टर नंबर होगा 30। चलिए राइट करते हैं, अब स्टूडेंट्स एक बार जो हम लोग बिफोर, बिटवीन और आफ्टर यहाँ पर आंसर राइट किए हैं, क्वेश्चन और आंसर एक साथ रीड करते हैं। 19 का जस्ट बिफोर नंबर क्या है, 18। 37 का जस्ट बिफोर नंबर 36। 50 का जस्ट बिफोर नंबर 49। 42 एंड 44 के बिटवीन का नंबर 43। 16 एंड 18 के बिटवीन नंबर क्या है, 17। 30, 23, 25 के बिटवीन नंबर कौन सा है, 24। 46 का जस्ट बिफोर नंबर 47। 19 का जस्ट आफ्टर नंबर क्या है, 20। 29 का जस्ट आफ्टर नंबर क्या है, 30। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग बिफोर, बिटवीन और आफ्टर स्टडी किए हैं।